हाय गाइस, दिस इज रेकिन, वेलकम बैक टू रेकी भाजन व्लॉग्स अगेन। सो भाई, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गली से। टाइम हो रखा है दोपहर के 12:30। तो अभी जस्ट जा रहा हूँ एक बार पप्पी को घर पे छोड़ने एंड ये बर्तन भी देने, फिर वापस से आऊँगा खाना लेने के लिए। तो लंच का करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि भूख तो लग चुकी है। सो भाई, लोग एक बार दुकान पे जाके मिलता हूँ आप सबसे। थिंग गाइज, दोनों वीडियो अपलोड कर दिए, व्लॉग के भी एंड रॉयल इनफील्ड हंटर के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए। तो जल्दी से जल्दी जाकर देख लो अगर नहीं देखी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये रही पप्पी अपने साथ में, और घर पे मम्मी खाना बना रही है तो बर्तन दे देता हूँ, इन्हीं बर्तन में लेके आऊँगा वापस से खाना। सो भाई, फाइनली खाना खा के आ चुका हूँ मैं घर से, और साथ में पब्बी को भी ले आया एंड यहाँ पे पड़ा है भाई लक्की। हाँ भाई, स्कूल से हो आया, कैसे दिन गया, कैसे आलस में हो रहा है, हो रहे बॉडी पार्ट्स पेन? हाँ, हाथ में दर्द हो रहा है। कल ज्यादा हो रहा था, आज ज्यादा हो रहा है? आज ज्यादा हो रहा है ना, एग्जैक्ट मेरे भी आज ही ज्यादा हो रहा है। और भाई यहाँ ज्यादा पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ओ भाई, अरे एक और जगह यहाँ हो रहा है पेट पे, यहाँ नहीं हो रहा होगा। जिस दिन पेट की करा देना उस दिन टैब बोल जाएगा तो उठा बैठा भी नहीं जाएगा, यहाँ हो रहा है। और यहाँ पे बाइसेप्स में है कितना पेन हो रहा है, दबा के देखू क्या? दबा के नहीं, नहीं। है? नहीं, वैसे तेरे 16 इंच के डोले है, 16 इंच के चलेगा आज जिम? यार वैसे आज मेरा मन तो नहीं है, ड्राफ्ट ही ड्राफ्ट बजाऊंगी सिर्फ। शिट, चलो चल पड़ेंगे ब्रो। अरे कंजरिंग देख रहा है मेरे साथ? अरे भाई जा तो क्यों ना, क्यों देख नहीं सकता? जल्दी बता, जल्दी हाँ कर, हाँ कर। क्यों मेरे को देख नहीं भाई? क्यों तेरे को पता है मैं बॉलीवुड की भी फिल्में से भी डर जाता हूँ। बॉलीवुड टॉलीवुड साउथ वालियों से भी डर जाता है। उसकी मूवी थी वो भी देखे, हट नकली प्लेयर है तुम, तुम्हारे कुछ बस की ही नहीं है। भाई यहाँ पे चल रहे कॉन्जरिंग मूवी और मैं देख रहा हूँ अंकल के साथ जानबूझ के, क्योंकि मेरी वाइफ फटी पड़ी है और बहुत गंदी तरह डर लग रहा है, फिर भी देखने में पूरा मजा आ रहा है और वही देख के रहूंगा भाई पूरी। फाइनली आज दो काम अच्छे हो गए, डरते डरते मूवी देख रहे थे तो एक काम तो हो गया अपना पैन कार्ड का, एंड सेकेंड काम एटीएम कार्ड का, दोनों जो खो चुके थे, पर्स खो गया था। चलो उसकी तो भरपाई हुई नहीं, लेकिन चलो इनकी होगी, इस चीज़ की खुशी है। अब एक दुख खत्म होगा कि अब मेरा योनो ऐप चल जाएगा, जिसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी थी। एंड उसके अलावा ये बैठे माशा तब भी मूवी चल रही है बहुत मस्त वाली भाई, इतना डर लग रहा है ना, नेक्स्ट लेवल डर लग रहा है, फिर भी मजा आ रहा है देखने में। रोहन को बुलाया था वो आया नहीं, तो सोचा अंकल को पकड़ लेता मूवी देखने के लिए। अंकल लग रहा है डर थोड़ा बहुत लग रहा है, कंजरिंग देख के फटके ऐसी तैसी हो रखी है भाई। अनरैप दिस टू कार्ड्स, शुक्र है दोबारा से मिल गया, नहीं तो काफ़ी सारी दिक्कतें और झेलने को मिलती, और अब इतनी सारी दिक्कतें झेलने को नहीं मिलेंगी, इस चीज़ की तो चलो खुशी है। एंड ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे क्या है सिस्टम। ही स्टिकी टेपिंग में आता है यार ये एटीएम कार्ड, तो किसी वजह से देते होंगे। एंड ये सब आया है एटीएम कार्ड के साथ, तो वन लेटर एंड देयर इज एटीएम कार्ड। एंड ये किस चीज़ के है भाई? ओहो, ये तो भाई काम की चीज़ है। एंड दिस, ये क्या मैनुअल है क्या एक तरह से? हाँ भाई मैनुअल ही होगी और तो क्या है। तो चलो एक चीज़ तो बढ़िया हो गई, ये मिल गया, इनको तो रखते हैं साइड में और अपना एटीएम कार्ड ही खोलते हैं। वन मोर थिंग गाइस, जो भी मेरे अपने सुरक्षित डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें होती है ना, फॉर्म वगैरह, वो मैं सब इसमें रख लेता हूँ, तो अपना एक जगह स्टोर करके रख लेता हूँ, तो आगे कोई दिक्कत आने की नहीं होती, तो ये चीज़ बड़ी सही है। अब एक बार ये दोनों चीज़ें ना घर जा कर रखवा दूँगा, क्योंकि मेरे से पर्स बड़े चोरी हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ एक बार अपना 7 बजे, मतलब अभी योनो SBI का ऐप चला लो, फिर 7 बजे दुकान बढ़ा के जाता हूँ सीधा जिम के लिए। तो लक्की और रोहन के आने के बाद ही जाऊंगा, तो फिलहाल के लिए मिलता हूँ थोड़ी देर रोहन के ढाबे पे। एंड इसको होना है हल्का और आए थे एटीएम में, ताकि ये जो अपना एटीएम कार्ड है इसको कर सके एक्टिवेट, बट दोनों नगर के एटीएम नहीं चल रहे, तो अब नरेला वाले पे जाना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं चलो किस्मत ख़राब है भाई अपनी, एंड जाना पड़ेगा और किसी चुप एटीएम में। ये क्या करवा दिया भाई, क्या करवा दिया, पैसा लगा दिया पैसा?
यस, अपना एटीएम कार्ड का भी हो गया काम खत्म, और पिन जनरेशन का था एक्टिव करने का तो हो गया काम खत्म। अब ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ मैं इस एटीएम कार्ड के थ्रू। तो अब जाता हूँ माय शॉप पे और पास्ता लेके जाना है मम्मी के लिए, वो पैक करवा के सीधा घर पे मिलता हूँ। मेरे को जल्दी से जल्दी रेडी होना है ताकि जिम चलूँ जल्द से जल्द। गाइस फाइनली हो गया एक्सरसाइज मेरी, जतिन की और बुनसुल की, आज बुनसुल ने भी हमें ज्वाइन करा था, एंड लक्की और रौनक का एक्सरसाइज अंदर। तो मैं जाता हूँ घर की तरफ अपना, और घर पे जाके मिलता हूँ सीधा। फाइनली जिम से आने के बाद नहा चुका हूँ मैं, एंड लक्की और रोहन को लेके आज लिया था नरेला से, तो इन ये दोनों की एक्सरसाइज हुई थी लेट में और मैं आ गया था जल्दी। एंड उसके अलावा खाना आज लग रहा है, और आज है खाने में कड़ी और रोटियां, तो खा लूँ और फिर मिलता हूँ दुकान पे जाने के बाद सीधा। और पपी ने भी खा लिया खाना, तो अभी यार आज कल ना पपी को लेके जा सकता दुकान पे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे भी सोना होता है। और ये रही मम्मी जी, पता नहीं क्या दही वही लगा रखे फेस पे पिंपल्स की वजह से, मेरे को भी लगानी थी पर मन नहीं है अभी। लोग फाइनली आ गए थे दुकान पर, अंदर लक्की सो रहा, और यहाँ पे मैंने आज अपनी फोल्डिंग बिछा ली, नहीं तो मैं सोफे पर सो जाता था ज़्यादातर आलस की वजह से। तो सोचा यार आज अपना सही से अपना फोल्डिंग बिछा के मस्त सोऊंगा, क्योंकि कल की छुट्टी है लक्की की भी और मेरी भी, तो दोनों भाई अपना मस्त आराम से सोएंगे, एंड थकावट हो रखी है बढ़िया वाली, तो बढ़िया रेस्ट करेंगे तो उतना ही अच्छा अपने को रिजल्ट देखने को मिलेगा कल की डेट में, क्योंकि परसों हमने एक्सरसाइज करी थी तो कल थोड़ा पेन हुआ, आज और ज़्यादा पेन हुआ है, ठीक है। तो कल थोड़ा कम पेन होगा, जितना आज है उससे तो कम ही होगा आई थिंक, और कल की कल देखते हैं। एंड आज वंशुल ने भी हमें ज्वाइन करा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो अपना टाइम है ना 8 बजे की टाइमिंग ना हमारे लिए भी गलत ख़राब है और औरों के लिए भी ख़राब है, तो यार घर वाले भी थोड़े गुस्सा होते हैं 8 बजे की टाइमिंग पे। ऑब्वियस है यार 8 बजे काफ़ी लेट हो जाता है, हम कोई ऐसे वर्किंग मैन तो है नहीं कि जब भाई टाइम नहीं मिलता हो, बिजनेस चल रहे हो कि क्या बोलते हैं इतनी लेट आ पाए। तो लक्की की वजह से होता था कि लक्की की 7 बजे ट्यूशन से छुट्टी होती थी, तो कहूँगा इसे कि भाई अपना 6 बजे ट्यूशन की छुट्टी करवा लिया कर और थोड़ी जल्दी आ जाया कर, तो अगर ये जल्दी का कर लिया इसने प्रोग्राम तो फिर तो भाई अनडाउटली 7 बजे अपना जिम में पहुँच के और 8:30 तक घर पे, एंड देन खा पी के फ्री हो जाएंगे 9:30 तक, और आके अपना बढ़िया रेस्ट करो, तो डेली जल्दी उठने की भी आदत पड़ेगी। वैसे भी ये लेट उठने की आदत बड़ी गलत है, क्या करें भाई मजबूरी है, ये भी करना पड़ता है। तो आज का दिन आपने देख लिया वीडियो में, एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब बाय, जय हिंद।